ओके बेटा, अब डिस्टिंग के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं इन और नॉट इन ऑपरेटर। अब बेटा इन और नॉट इन का यूज ये होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, या आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, या और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिन पे वेबसाइट्स आप बनाते हैं। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें आप ये चेक करना चाहते हो जिन बच्चों के जो सिटी है हैदराबाद है वो आ जाए, तो बच्चे हैदराबाद वाले आ जाएंगे। ये वैसे भी पॉसिबल है। कैसे भाई? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, आप एक कंडीशन होती है जो लगा सकते हो। कैसे भाई? आप कहते हो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है बेटा? स्टूडेंट इन्फो, कि मुझे वो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखाओ जिसका यहां पे क्या है, कोई कंडीशन नहीं, सारा दिखा दिया उसने, है ना। लेकिन अगर मैं इसको कहूं वेयर सिटी नेम इज इक्वल टू, किस हिसाब से? हैदराबाद से, ठीक है। वेयर सिटी इज इक्वल टू, क्योंकि कॉलम का नाम बेटा सिटी है, श्योर है, है ना, तो कॉलम का नाम वही देंगे। तो मैं क्या बता रहा हूं उसको, सिलेक्ट करो सारे कॉलम फ्रॉम कौन सी टेबल से, स्टूडेंट्स इन्फो से, वेयर जहां पे सिटी का नाम क्या है, हैदराबाद। सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखें हैदराबाद से एक ही बच्चा है जो आ रहा है। अब आप इसको कहते हैं कि वो स्टूडेंट बताओ जो कोटरी से बिलोंग करते हैं, सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखें दो बच्चे जो हैं वो कहां से बिलोंग करते हैं, कोटरी से, सही है। अब आपको कोई दूसरी कंडीशन लगानी है तो कैसे लगाओगे? आप लिखोगे और ऑपरेटर पढ़ा था ना, और सिटी इज इक्वल टू कराची, तो दो सिटी से भी डेटा आ सकता है। कौन कौन से आ रहे हैं? कराची और कोटरी वाले, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। इसी तरह आप कितने और लगाओगे, कोडिंग बढ़ेगी, क्यूरी बढ़ेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इस कोडिंग की क्यूरी को या क्यूरी की कोडिंग को कम करने के लिए आप इन ऑपरेटर यूज करते हो। क्या यूज करते हो बेटा? इन ऑपरेटर। आपको सिर्फ यहां पे क्या करना है, यहां पे आते हैं, वैसे ये पॉसिबल है, इनके अलावा पॉसिबल है, यू डोंट वरी अबाउट दैट, हम और ऑपरेटर या एंड ऑपरेटर से अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, इट्स पॉसिबल, बट द वे यू कैन से कि अगर आपका बेहतर वे कंसाइज आपको कोड करना है, कोड ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, तो आप क्या करते हैं इन और नॉट इन को यूज कर देते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स इन्फो वेयर सिटी, और उसके बाद हम लिखेंगे इन, बस। आपको बार बार और ऑपरेटर की देने की जरूरत नहीं, बार बार सिटी के कॉलम को कंपेयर करने की जरूरत नहीं। तो आप क्या बताएंगे, इस तरह से वेयर सिटी इन, आप फिर इसको इस तरह से बता देंगे, दैट्स इट। आंसर क्लियर हो गया कि सिलेक्ट करो सारे के सारे कॉलम किस टेबल से, स्टूडेंट्स की इन्फो वाली टेबल से, और वेयर सिटी इन कोटरी, तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट वो उठाएगा जो कोटरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते या सिटी से बिलोंग करते। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसी तरह दूसरा कॉलम बताना है, अब वहां पे क्या लगाते, और लगाते, फिर से सिटी कॉलम लिखते, इज इक्वल देते, वैल्यू देते, ऐसे ही है। अब आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है, दूसरे सिटी का नाम देना है, कराची, तो कराची वाले डेटा हमारे पास यहां पे आ जाएगा। कौन सा क्लियर हो गया बेटा? सही है। जैसे आपने ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स में नहीं देखा कि आपको जेंट्स की चीजें देखनी है, आप जेंट्स की कैटेगरी में गए, फिर वहां पे जाके आपको टी शर्ट देखने है, तो टी शर्ट पे चेक लगाते हो, तो टी शर्ट इज अ इन ऑपरेटर में यहां एंड हो जाता है, सही। फिर आपको जीन्स भी देखने हैं टी शर्ट्स के साथ, आप जीन्स पे भी सेट कर देते हैं, जीन्स भी आ जाते हैं। इसी तरह आपको कोई और चीज भी उसके साथ देखनी है, सही है, फॉर एग्जाम्पल आपको शूज भी देखने हैं, तो शूज पे भी आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे क्लिक लगा देते, तो वो सारे इन ऑपरेटर के थ्रू हो रहे होते। कौन सा क्लियर हो गया बेटा? सही है। तो हम इन ऑपरेटर को कंसाइज कोडिंग के लिए यूज करते हैं, वरना हम आर को भी यूज या एंड को भी यूज कर सकते, मना नहीं है, लेकिन कोडिंग हमारी यहां इजी हो जाएगी। सपोज आपको कोई और सिटी भी ऐड करना है, तो यहां पे आपने सिटी का नाम बता दिया कि भाई क्या है, सपोज कराची, कोटरी, हैदराबाद, उस हैदराबाद, हैदराबाद वाले स्टूडेंट मिला, तो आप हैदराबाद से भी देख सकते हैं। आंसर क्लियर है?
सिटी के कॉलम के अलावा भी कॉलम तो है ना हमारे पास, एज के हिसाब से देखना है आपको, है ना। तो यहां पे कहेंगे कि भाई जहां पे स्टूडेंट्स की एज है आपने यहां पे, अब सिंगल कोट नहीं देने क्योंकि आपको पता है इंटीजर वैल्यूज देने हमें, तो मैं इसको कहूंगा जहां पे स्टूडेंट की एज 20 है, 21 है और 22 है, ये हमारे नंबर ऑफ रिकॉर्ड या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखा दो जिनकी एज 20 है या 21 है या 22 है, और आपने इस तरह एग्जीक्यूट किया, वही बच्चे आएंगे जिनकी एजेस 20, 21, 22। कौन सा क्लियर? आपको सिर्फ 22 वाले देखने, सिलेक्ट किया, कट किया, एग्जीक्यूट किया तो 22 वाले आ गए। कौन सा क्लियर हो गया बेटा? इसी तरह नाम है, फीस है, फीसेस है ना, कॉपी दिस, नीचे आओ फीस के कॉलम पे भी लगा सकते हो, वेयर फीस जो है स्टूडेंट की कहां से, रेंजेस बताते थे ना वहां पे, होती थी ना रेंजेस, लेकिन वहां पे क्या था, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट, उसी रेंज में डेटा आता था, लेकिन यहां पे कांस्टेंट वैल्यूज पास करें, ये भी हो, ये भी हो और ये भी हो, रेंज नहीं है कि 1000 से 2000, नहीं, यहां पे या तो 1000 या तो 2000। कौन सा क्लियर है? कि मुझे सिर्फ बच्चे वो देखने हैं जिनकी फीसेस 4000 है, सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो 4000 की फीस वाला कोई बच्चा नहीं, 4500 सिलेक्ट करते हैं, एक बच्चा आ रहा खाला। कौन सा क्लियर है? इसी तरह आपने कहा किसी बच्चे की फीस 5500 है, सिलेक्ट करते हैं, वही बच्चा आए तो आपका वही आ रहा है। कौन सा क्लियर? आपको देखना है 5500 वाले भी हो कॉमा जिनकी फीस 4500 है वो भी आ जाए, तो सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो वो भी आ जाएंगे। देखिए 4500 वाला एक बच्चा था ना खलाद, वो आ रहा है, और बाकी जो 5500 वाले हैं सिर्फ वही आ रहे हैं। कौन सा क्लियर हो गया? तो कल को आपको वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज देखने हैं जिनकी सैलरीज इतनी है, तो उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। कौन सा क्लियर हो गया बेटा? तो ये हमारा इन यूज होता है। अच्छा, अब आपको चाहिए कि 5500 के अलावा और 4500 के अलावा, यानी मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जिनकी फीस 5500 नहीं है, तो क्या लिखेंगे? नॉट इन। आंसर क्लियर हो गया? बस पहले इन था, अब क्या है? नॉट इन, यानी 5500 के अलावा जो भी फीस वाले बच्चे हैं वो दिखा, 5500 वाले नहीं दिखेंगे, बाकी दिख रहे हैं, देखिए। कौन से क्लियर हो गया? सपोज आपको कोई कहता है कि भाई ये स्टूडेंट जो है ना सारे बिलोंग करते हैं डिफरेंट सिटीज से, ऐसे ही है, बिलोंग करते हैं ना, आपको हैदराबाद के बच्चे छोड़ के बाकी बच्चे बताए। कौन सा क्लियर हो गया? तो आप क्या लगाएंगे क्यूरी? अब यहां पर आके क्यूरी लगाएंगे, सिलेक्ट करो ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल वेयर सिटी नॉट इन हैदराबाद, के जिन स्टूडेंट का सिटी हैदराबाद है उनको छोड़ो, बाकी नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखा दो। तो देखो हैदराबाद का कोई स्टूडेंट नहीं आएगा, बाकी सारे आ रहे हैं। कौन सा क्लियर है? कल को ये हो सकता है ना, आप कहेंगे भाई आप फॉर एग्जांपल किसी दराज की जाते हैं, उस पर वेबसाइट पे आप कोई चीज खरीदने जाते हैं, है ना, तो आपने एक फिल्टर लगा दी, उसमें आप कहना चाहते हैं कि मुझे एक्स्ट्रा लार्ज वाली साइज के अलावा जो भी चीजें दिखा दो, है ना, तो एक्स्ट्रा लार्ज जो हमारी है साइज, उसके अलावा जितने भी साइज होंगे सारे आ जाएंगे। कौन सा क्लियर हो गया? या आपने कहा मीडियम के अलावा, तो नॉट इट। कौन सा क्लियर? या आपने कहा कि मुझे सिर्फ जैसे सिटीज की बात हो रही है कि हैदराबाद और कराची, इन सिटीज के अलावा जो भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो दिखा दो, तो कराची और हैदराबाद के अलावा कौन कौन से दिख रहे हैं? कौन सा क्लियर हो गया बेटा? इस तरह से हम इन और नॉट इन को यूज कर लेते हैं इन एसक्यूएल सर्वर। आई होप कि क्लियर हो गया।